बृहस्पति भगवान की जय, श्री गुरु भगवान की जय, देवों के देव श्री ईश नारायण भगवान की सदा ही जय हो। दोस्तों, मैं आज आपको बृहस्पति भगवान की कथा सुना रही हूँ, आशा है आप सबको पसंद आएगी। दो भाई बहन थे, बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज उनके व्रत से बहुत प्रसन्न थे। बृहस्पति महाराज आते और चार लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते। वह लड्डू खा लेती और कटोरे को कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोल कर देख लिया तो कोठरी में जगमगाट हो रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ननंद इतने कटोरे पता नहीं कहाँ से लाई है, कोठे में जगमगाट हो रही है। बोली, अपने पति से कहिए कि तेरी ननंद इतने कटोरे कहाँ से लाई है जो कोठे में जगमगाट हो रही है। आदमी ने तो नहीं सुनी। वह बोली, मेरे आदमी तो नहीं सुन रहा। तो पड़ोसन बोली कि ऐसा करना कि दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में देना। दूसरे दिन उसने यही किया, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में। उसका आदमी बोला, पागल हो गई है क्या, जो दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे रही है। वह बोली, पागल मैं नहीं, पागल तो थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने कटोरे लाई है कि कोठे में जगमगाट हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जी जी चल मामा के चलेंगे, थोड़े दिन घूम आइयो। वह बोली, वह लड़की तो जानती थी कि भाभी ने जब इतना सब कुछ कह रखा है तो भाई कहाँ मामा के ले जाएगा, कहीं ना कहीं बीच रास्ते में छोड़कर आ जाएगा। दोनों चल दिए। लड़की बोली, भाई मुझे ऐसी जगह छोड़कर आना जहाँ केले का पेड़ हो और मंदिर हो। चलते गए तो उन्हें रास्ते में केले का पेड़ और मंदिर मिला। बोली, भाई मुझे यहीं उतार दे जंगल में जाके, भाई मुझे यहीं उतार दे। उस दिन बृहस्पति भगवान का दिन था। लड़की ने स्नान किया और बृहस्पति भगवान की केले में पूजा की। कहानी कही और बृहस्पति महाराज आए और चार लड्डू दिए चांदी का कटोरा देकर चले गए। भाई पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखता रहा। उसने आकर अपनी बहन के पैर पकड़ लिए, बोला, बहन तू तो सत की है, जो तेरे मैंने कुंवारी होने पर कलंक लगाया है, ये सत का व्रत जो तू कर रही है मुझे क्षमा कर दे और मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहा हूँ। बृहस्पति भगवान उन्हें क्षमा करके चले गए और अपनी बहन को लेकर वह घर आ गया। भाभी उस दरवाजे पर खड़ी थी, देख रही थी। बोली, तू तो इसको फिर लेकर आ गया। बोला, मेरी बहन को कुछ नहीं कहना, यह तो सत की है, मेरी बहन तो बृहस्पति भगवान का व्रत करती है, वो ही इसे चार लड्डू और चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। बहू ने सोचा कि अब क्या करूं। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरी ननंद सब अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननंद सबको चार चार लड्डू देगी और चांदी का कटोरा देगी। बृहस्पति का दिन आया, लड़की ने व्रत किया, गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए तो लड़की ने एक टांग पर खड़े होकर कहा, हे बृहस्पति महाराज, आज मेरी लाज रख लेना, क्योंकि भाभी ने तो ऐसा वचन बोला है कि मैं उसको कैसे निभाऊं। बृहस्पति भगवान आए और सबको चार चार लड्डू और चांदी का कटोरा दिया। सब ने लड़की से माफ़ी मांगी और बृहस्पति भगवान की जय जयकार की। हे बृहस्पति भगवान, जैसे लड़की पर टूटे और लड़की की लाज रखी, वैसे कहते सुनते हुंकारा भरते सब की लाज रखना, बृहस्पति भगवान की जय। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ कहानी कहना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य यही है कि एक दूसरे पर विश्वास रखना, एक दूसरे के काम आना, क्योंकि परिवार तभी चलता है जब हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात कैसे होगी जब तक आप लाल बटन को नहीं दबाएंगे, तो इसलिए आप मेरी कहानी को सुनते हैं और मेरा इतना हौसला बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।
नमस्कार दोस्तों।